2000 વર્ષ પહેલાનું આ ગામ છે, રાજુ છે, રાજા સાહેબ. હા, એટલે આ તો અંદાજી ખબર હોય કે 2000 વર્ષ જૂનું ગામ છે. હા, એટલું હશે. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आया हूँ खेतलिया पीर के दर्शन को. आज मैं आपको खेतलिया पीर का आश्रम दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में. मैं आपको यहाँ पे आया हुआ खेतलिया बापा के मंदिर के दर्शन करवाऊँ. उससे पहले हम लोग इस मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद हम खेतलिया बापा के मंदिर के दर्शन करेंगे. અમારી પેટી પાંચમી પેટી ચાલુ છે અમારી. અમે સેવા પૂજા કરી, અમારે સમાધિ સ્થાન, અમારા બધા વડવા હોવાની સમાધિ દીધી. બરાબર, અઢિયારનું કહેવાનું એમ છે, બાપુએ પોતે આ જાતે સમાધિ શણી મંદિર અને સમાધિ દઈ ગયા. બાકીનો ઇતિહાસ તો બહુ પછી આપણને કઈ. એટલે દાન બાપુ ને સચિન બાપુ ગુરુભાઈ, મૂળ દાન બાપુ શરૂઆત અહીંથી જ થાય, કોઠીથી જ. પછી બાકીની જગ્યાઓ પછી આવે. કોઠીની જગ્યા જે કહેવાય છે ઠાકર, એ મુખ્ય સ્થાન એ મારા ગઢિયા મૂળ પાળિયા સેવા પૂજા માટે જમીન જાગીને સેવા પૂજા કરું. तो अभी आपने सुना यहाँ पे जो पुजारी जी है उन्होंने जो बात बताई वो आपने सुनी. अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे जो खेतलिया बापा का मंदिर आया हुआ है, वहाँ पे हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे. जैसे ही हम गेट से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पे आपको एक खूबसूरत मंदिर दिखाई देगा. और उस मंदिर के अगल बगल में काफ़ी ग्रीनरी है और मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है. तो चलिए हम लोग मंदिर में जाके मैं आपको थोड़ा सा ये मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ. काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ये मंदिर दिखाई देगा. यहाँ पे मंदिर के अंदर एक विशाल पीपल का पेड़ है और ये मंदिर के बीचों बीच में से ऊपर निकला हुआ है. और जो मंदिर का घूमट आता है, इस पीपल के पेड़ की वजह से उस घूमट को भी यहाँ पे नहीं बनाया गया है. तो चलिए अब हम मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे जो खेतलिया दादा का मंदिर है उसके अंदर जाके हम लोग दादा के दर्शन करेंगे. आप यहाँ पे खेतलिया दादा के दर्शन कर सकते हैं. ये देखिए, इसकी प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है और मंदिर के अंदर लाइटिंग भी बहुत ही बढ़िया है. इस मंदिर के अंदर लाइटिंग की हुई है और यहाँ पे खेतलिया दादा की आरती लिखी हुई है. इस पूरे बोर्ड के ऊपर खेतलिया दादा की आरती लिखी हुई है. तो आप इस बोर्ड के ऊपर ये आरती पढ़ सकते हैं. तो अभी हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे इस मंदिर के नीचे एक गुफा जैसा बनाया हुआ है. तो हम लोग वहाँ पे इस गुफा के अंदर नीचे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे. तो ये हम लोग गुफा भी देखेंगे. तो अभी मैं यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ और एक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा
इसे गुफा तो नहीं बोल सकते हैं, मगर एक अंडरग्राउंड एक रूम कह सकते हैं। और ये जो अंडरग्राउंड रूम है ये ऐसा दिखाई दे रहा है। दूध हो દાદા બેઠા અમે નદી કાંઠે પૂછ્યું, એને એમ કીધું ગામ સમત પાંચ નું નિવેદ કરી દો, પછી ત્યાર પછી કોઈ દિવસ ગામમાં કડ થયો હોય નાગનો જૂનો ત્યારે જસદણ નતું, રાજકોટ હતું, સરદાર હતું, રાજકોટ નતું, કોઠી કુંડ ને સ્ટેટ કેવા ઈ પહેલાનું આ સ્થાન છે, કોઠી કુંડ ને કોઠી પહેલાનું આ મંદિર તો નવું બનાવ્યું, બાકી મંદિર તો આ ચોથું છે બરાબર છે, બાકી તો હા પણ પહેલા તો નાની દેરી હતી, આપણે કોઠી ગામમાં આ દેરી નહીં એવડી દેરી હતી, 2000 વર્ષ પહેલાનું આ ગામ છે, રાજુ છે રાજા સાહેબ, હા એટલે આ તો અંદાજી ખબર હોય કે 2000 વર્ષ જૂનું ગામ છે, હા એટલું છે, અમારા ઘેરે છે શંકર દાદા નું લિંગ છે, પીપળો છે, દાન બાપુ એ પ્રતિષ્ઠા કરી લે છે પીપળો એ